दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। चेक का लेन देन करने वालों के लिए बड़ी खबर, देश भर में लागू हुए ये तीन बड़े नियम। आज हम आपको बताएंगे कि चेक के लेन देन में कौन से नियम को लागू किया गया। मोदी सरकार गलत कार्यों को निपटाने के लिए बहुत से नए नियम बनाए हैं। इसी बीच तीन नियम चेक के लेन देन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। हर इंसान को पता नहीं चलेगी तो उसको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। चेक का लेन देन करने वालों के लिए तीन बड़े नियम। इस सिलसिले में पहले नियम के बारे में हम आपको बताएंगे कि किसी व्यक्ति से चेक लेने से पहले उसकी वैधता को अवश्य चेक कर ले, जिसे देखे कि वह कम से कम 3 महीने तक की होनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर आप चेक को भर रहे हैं और आपके साथ कोई गलती हो गई हो तो ऐसा कभी ना करें कि उसमें काटा पीटी हो जाए, अन्यथा आपका चेक निरस्त किया जा सकता है। तीसरे बड़े नियम के मुताबिक जो हस्ताक्षर आपने बैंक अकाउंट खुलवा के समय किया था, वही हस्ताक्षर आपको चेक इस्तेमाल करने पर करना होगा, वरना आपका चेक मान्य नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसे ही खबर पढ़ते रहने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबर आपके लिए लाते रहते हैं।